दोपहर के बाद का वक्त, जगह लखनऊ। गुरुवार को बैकुंठ धाम में वीवीआईपी का रेला लगा था। सहारा परिवार के तमाम लोगों और रिश्तेदारों की मौजूदगी थी। अगर कोई नहीं था तो वो थे सुब्रत रॉय के दोनों बेटे सीमंतो और सुशांतो। रॉय को उनके पोते हिमांक ने मुखाग्नि दी। 16 साल के हिमांक लंदन में पढ़ते हैं और सुब्रत रॉय के छोटे बेटे सीमंतो के बेटे हैं। दौलत हो या शोहरत, सहारा श्री ने वो सब कुछ हासिल किया जिसके बारे में कोई आम इंसान महज सपना ही देख सकता है। बुलंदियों को छुआ, लेकिन उनके दोनों बेटों में से कोई भी आखिरी विदाई में मौजूद नहीं था। आज से 2 दशक पहले सुब्रत रॉय सहारा ने जब दोनों बेटों की शादी की थी तो जश्न में पानी की तरह करोड़ों रुपए बहाए थे। उस शाही शादी को देश भर में चर्चा की जगह मिली। 10 फरवरी 2004 को रॉय के बड़े बेटे सुशांतो और 4 दिन बाद 14 फरवरी को छोटे बेटे सीमंतो की शादी हुई। देश भर से 10,500 वीवीआईपी मेहमान इन शादियों में शामिल हुए। सियासत, खेल, कारोबार, फिल्म, हर क्षेत्र के दिग्गज हस्ती लखनऊ में हुई इस शादी में शरीक हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, राजनाथ सिंह, पूर्व पीएम चंद्रशेखर, लालू प्रसाद यादव, प्रमोद महाजन, मायावती, शिबू सोरेन, सुरेश कलमाड़ी, राजनीति के एक से बढ़कर एक दिग्गज इस शादी में के गवाह बने। फिल्मी दुनिया के तमाम नामचीन सितारों की जमघट लगी। मेहमानों की अगुवाई में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी भी थे। ऐसा जश्न जैसे सितारे जमी पर उतर आए। उस जश्न को शताब्दी की सबसे चर्चित और भव्य भारतीय शादियों में शुमार बताया गया। बेहिसाब खर्चा हुआ। सुब्रत रॉय सहारा अपनी राजसी ठाट बाट के लिए जाने जाते थे। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया उनके बेहद करीब थी। उनके पास अपनी एयरलाइन थी, आईपीएल और फॉर्मूला 1 की टीमें थी, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में आलिशान होटल थे। उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, लेकिन आखिरी वक्त में उनके दोनों में से एक भी बेटे उनके करीब नहीं थे।